Vai dar para ver. नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में अब छात्रों का आंदोलन उग्र होने लगा है। दरअसल बीते दो दिन से ही छात्र अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देर शाम आरा की एक तस्वीर निकल करके कल सामने आई, जहां पर छात्रों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन की पिछली बोगी में आग लगा दी है और ट्रेन जो है वो धू धू करके जल रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखा आपने किस तरीके से इस ट्रेन में छात्रों ने आग लगा दी है। दरअसल छात्रों का कहना है कि एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली की गई और इसके साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा से महज एक महीने पहले उसमें मेंस की प्रक्रिया भी जोड़ दी गई है, जिससे छात्र जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और इसी को लेकर के वो रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे हैं। और इसी कड़ी में कल आरा से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहाँ पर छात्रों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीतामढ़ी से भी एक खबर सामने आई, जहां पर पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर फायरिंग की है। हालांकि दो दिन से जो आंदोलन हो रहा था उस दौरान इस तरीके की आक्रामक घटनाओं का कोई खबर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन कल से ही ये जो आंदोलन है वो उग्र होने लगा है, इस तरीके की खबरें सामने आने लगी। आपको बता दें कि सोमवार से ही छात्र जो हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले पटना के राजेंद्र नगर में, बिहार शरीफ में, नवादा में, आरा में, बक्सर में, हर जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जो आरा से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो काफ़ी चिंताजनक है। पैसेंजर ट्रेन में छात्रों ने आग लगा दी है और अब इसको लेकर के आगे की कार्रवाई क्या होगी आने वाले में पता चलेगा। वहीं इसी बीच रेलवे की तरफ से एक ट्वीट करके अगर देखा जाए तो एक तरीके से छात्रों को धमकी दी गई है कि अगर छात्रों की पहचान हो जाती है कि वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे तो उन्हें आजीवन रेलवे की जॉब नहीं मिलेगी। ये ट्वीट किया है रेलवे ने, जानकारी दी है कि अगर छात्रों की पहचान हो जाती है कि वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल थे तो उन्हें जिंदगी भर रेलवे की जॉब में नहीं रखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।